जिस तरह किसान के बेटों के सीने पे पुलिस और अपराधी मिलके नेताओं के संरक्षण पे गोलियां चला रहे थे, उस वक्त नजदीक से मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच को देखा था। वोट हमारा राज उन लोगों का, अगर एनएचआर को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, मोदी को चेतावनी दी, अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ, किसान आंदोलन में आपको हराया था, जवान आपको हराएगा, अगर आप इसको जाम करो और मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है। उस मोदी से लड़ाई लड़ी जिस मोदी के आगे पूरा देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर हो गई थी, उसको छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसको न ईडी का डर है न सीबीआई का डर है। जब भाजपा के खिलाफ आप वोट करोगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट करोगे, और आप उन दिनों को याद करोगे जब आपके लिए कौन लड़ रहा था, किस तरह मोदी की सरकार ने जाट समाज के उन नौजवानों का, पुलिस और मिलिट्री ने गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगातार किसानों पर अन्याय अत्याचार और वसुंधरा सरकार के समय जिस तरह किसान के बेटों के सीने पे पुलिस और अपराधी मिलके नेताओं के संरक्षण पे गोलियां चला रहे थे, उस वक्त नजदीक से मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच को देखा था। वोट हमारा राज उन लोगों का जिनकी परसेंटेज राजस्थान में कितनी आप भी जानते हो, और वो दोनों पार्टियों के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने हमेशा राज के मजे लिए। और आज भी आप उठा के देखोगे, कहने को तो अशोक गहलोत ओबीसी के मुख्यमंत्री है, लेकिन गहलोत के चारों तरफ जो किचन कैबिनेट है, उस किचन कैबिनेट के अंदर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जिनकी सोच किसान विरोधी है। वसुंधरा ने लगातार हम लोगों को समाज का, अलग अलग समाजों का वास्ता दिला के इस राजस्थान की जनता को ठगा, और प्रदेश की दो बार मुख्यमंत्री बनी, और दोनों बार जितना अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, जाट गुजर मीणा यादव इनके ऊपर अत्याचार हुआ, दुर्भाग्य इस बात का है जिन किसान परिवारों को, जो अपने आप को किसानों का सच्चा हितैषी बताते थे, जो किसान कौम को राजस्थान के अंदर 50 साल धोखा देके किसान कौम को कामयाब करने की बात नहीं कह रहे थे, उनका भी ऑपरेशन अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलके किया। दुर्भाग्य इस बात का, उन नेताओं के बच्चे भी उनकी गोद में बैठे हैं जिन्होंने उनके पिताजी और किसी के चाचा जी और किसी के भाई को जेलों के अंदर डलाया। अगर इस बात का गुस्सा किसी को राजस्थान के अंदर आया, इस राजस्थान के अंदर जब कोई नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करता था प्रदेश के किसी कोने के अंदर, और कर्जे के बोझ के तले जब प्रदेश के अंदर किसी कोने में किसान आत्महत्या कर रहा था, उस वक्त अगर जवान किसान की सोच के अपने मंत्री पदों को ठोकर मार के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ के इस राजस्थान को बचाने का अगर संकल्प किसी ने लिया, जिसने ये कहा मेरी पूरी जवानी इन किसान दलितों के नाम कर दूंगा लेकिन इन पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, समय लग सकता है लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश के उन तमाम नेताओं के मुंह पे ताले लगवा दिए, वो आपके संघर्ष से, किसानों के आशीर्वाद से
हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए जो ये कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बन सकती, कोई राजस्थान के अंदर तीसरा दल नहीं बन सकता। भाइयों आपको याद है जब मैं मोदी के गठबंधन के साथ सत्ता दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, किसान आंदोलन जो पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी और बड़ी लड़ाई लड़ी, पंजाब के लोग जबरदस्त लड़ा के गुरु गोविंद सिंह जी की फौज जिसने मुगलों का और अंग्रेजों का मुकाबला करती थी उस पंजाब ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि तीनों कृषि कानून आप राजस्थान के अंदर आंदोलन करो किसानों का और NH-8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अगर आप इसको जाम करो और मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प थे, हमेशा हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई हुई देश के अंदर उसमें हरियाणा की सरजमी पे और उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास पंजाब के आसपास बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इतिहास के अंदर। भाइयों राजस्थान के अंदर हम लोगों का तीन तरीके से शोषण हुआ, अंग्रेजों के राज के बाद राजा महाराजाओं ने हमें कुचलने का प्रयास किया, दलितों के साथ साथ हमारे लोगों को भी जो नया अनाज होता था उसकी रोटी नहीं खाने देते थे और किस तरह तड़पा तड़पा के हमारे लोगों को मारा था अगर आप इतिहास जानते हो। जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया और नेताओं का धोखा, इसलिए राजस्थान किसान आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था। मेरे को जरूर सोशल मीडिया पे छोटे भाई कहते थे कि हनुमान जी मोदी की गोदी से बाहर आओ और मैंने चिंता करी कि अब वक्त आ गया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी और पूरे देश के अंदर जाट यादव गुजर मीणा मुस्लिम माली इन लोगों को एक करके सत्ता के शिखर पर लेके गए, शेड्यूल कास्ट के भाइयों की लड़ाई सर छोटू राम जी और बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया उनके संविधान का ही परिणाम है कि आज आप वोट डाल रहे हो, नहीं तो वोट डालने का अधिकार भी आप लोगों को नहीं मिलता। अगर NH-8 को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी तो उत्तर भारत के उस किसान के बेटे ने पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मार के इस किसान कौम की रखवाली के लिए सड़कों पर निकल पड़ा, 70 दिन सड़क पर संघर्ष करके आपको जीत दिलाई। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी और देश में बात चली कि उत्तर भारत में अगर सत्ता छोड़ी तो नागौर के सांसद राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने उस मोदी से लड़ाई लड़ी जिस मोदी के आगे पूरा देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर हो गई थी, उसको छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसको न ईडी का डर है न CBI का डर है। देश के अंदर जब देश का जवान तकलीफ पे था, इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार जवानों के मुद्दे किसी ने उठाए और सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त कोई व्यक्ति अगर झंडे के साथ सड़क पर आया वो 543 सांसदों में से एक सांसद है जो आपका भाई है जिसे बहुत ज्यादा प्रेम आप करते हो, उसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ, किसान आंदोलन में आपको हराया था, जवान
आपको हराएगा। हम उन किसानों के बच्चे हैं जिनकी संतानों ने देश की रखवाली के लिए 62, 65, 71 कारगिल की जंग हो या पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं या आरएसी के जवान खड़े हैं, या दुश्मन जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा करता है तो हमारे किसान के बेटे दुश्मन को ढेर कर देते हैं। इन देश के जवानों की रखवाली के लिए कोई आया तो नागौर का सांसद था जिसने मोदी से टक्कर ली और परिणाम यह हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर लेने की बात करी थी और 75 को वापस भेजने की बात करी थी। उन्होंने कहा कि 50% को सेना में रख लेंगे, 50 वापस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के सेमीफाइनल के अंदर, ये देश का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी से सारा हिसाब सूत सहित चुका दिया, जवानों मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ भी वापिस होगा, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान भी होगा और आपके लिए स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करे, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। ये जब ही होगा जब भाजपा के खिलाफ आप वोट करोगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट करोगे और आप उन दिनों को याद करोगे जब आपके लिए कौन लड़ रहा था, किस तरह मोदी की सरकार ने जाट समाज के उन नौजवानों का जो हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के अंदर अपने समाज का आरक्षण देने की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे, मेरे छोटे भाइयों पे पुलिस और मिलिट्री ने गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। याद रखना उस चीज को, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो विधायक 3 बार बन गया, सांसद बन गया, पार्टी भी बना ली और कितने सारे नेता तैयार कर दिए राजस्थान के, हर समाज का लीडर आज जयपुर की विचार रैली में भाषण दे रहा है जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मोदी और राहुल की रैली के अंदर भाषण दे सकते हैं। पूछ लो इनको, अगर मंच में कोई बिठाता है तो भी, ये अनुमान बेनीवाल है, इसने पूरा जीवन समर्पित करके मोदी को चुनौती दी, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका और प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक दिया, नहीं बोलने दूंगा तुम्हारे को, ये ताकत अगर किसी के अंदर है वो आपके भाई के अंदर ताकत है। हमारे किसान के बेटे जो भोले होते हैं, जो समझते नहीं है, कभी राज नहीं किया, उनका यूज हुआ, कोई भी उनको ले जाता है और ले जाके थोड़ा सा माइंड वॉश करता है और उसकी ओर ही चल पड़ते हैं, वो अपनी कौम के खिलाफ लोगों के भी नारे लगाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं हुई और गैंगवार के अंदर हमारे ही बेटों के हाथ में बंदूक देके हमारे ही लोगों की हत्याएं राजस्थान के अंदर करवाई गई, जीवन गोदारे से लेके एक दर्जन से ज्यादा हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। पीछे दिमाग किसका चल रहा था आपको पता है, इस राजस्थान ने एनकाउंटर का दंश भी झेला। जब एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के इशारे पे पुलिस के एडिशनल डीजी, आईजी, एसपी और हमारे ही समाज के 5-6 थानेदार सीआई जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि गारंटी प्रमोशन दो, अगर उनको जेल में डराने का काम किसी ने किया, उस किसान के बेटे के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया तो नागौर के सांसद ने बड़ी लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी जेल के फाटक खुलवा के अंदर डलवाया। और एनकाउंटर की बात छोड़ो, वो तो नाम से ही घबरा जाते हैं, बात मत करो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बात ही मत करो, जिंदगी में भूल हो गई, ये एहसास हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कराया। जिद्दी वसुंधरा जो घमंड में चूर थी, जो किसी को कुछ नहीं समझती थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर बार फेंका तो नागौर के सांसद के संघर्ष से, छोटे भाइयों के संघर्ष से उसको बाहर का रास्ता दिखाया। गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का जो घमंड था उस घमंड को चकनाचूर किया। उन तमाम किसान नेताओं की औलादें जो चुनाव जीतने के लिए 18 में मेरे दरवाजे पर आई थी, उनकी मदद भी करी और उन किसान नेताओं का बदला अगर किसी ने लिया तो हनुमान बेनीवाल ने उन संघर्षों से उन किसान नेताओं का बदला लिया। वैसे बदला तो बाप का उसके बेटे लेते हैं,
लेकिन मेरे जैसा मतवाला आपको नहीं मिलेगा जो दूसरों की लड़ाई खुद ही लड़ता है। जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी भर्तियों के खिलाफ, वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, भयमुक्त राजस्थान के लिए, बहन बेटी अबला की चीख राजस्थान में नहीं निकले, वो वोट करेगा इसके लिए, वो वोट करेगा डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो, खेत के सिंचाई का पानी हो, वो 90 लाख वोट करेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 90 लाख और 80 लाख।